तो वही रायबरेली जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जहां इन्वेस्टर समिट का आयोजन उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया। शासन द्वारा रायबरेली जनपद को 750 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य दिया था, जिसे जिला प्रशासन ने पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल किया है। इन्वेस्टर समिट का आयोजन फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज सभागार में किया गया, जहां इन्वेस्टर समिट में आए हुए उद्यमियों में जिले और प्रदेश में सकारात्मक माहौल की वजह से काफी उत्साहित रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार अपने किए गए वादों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की योगी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। रायबरेली के लिए शासन द्वारा 750 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य दिया गया था। यहां के अधिकारियों ने इस लक्ष्य को पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए हासिल किया है, जो कि सराहनीय है। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे रायबरेली के प्रशासन को कि लगभग 750 करोड़ रुपए के उद्यम रायबरेली की भूमि पर स्थापित किए जाएं, जिसके क्रम में रायबरेली के प्रशासन ने मेहनत करके लगभग 1200 करोड़ के आसपास निवेश का खाका तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रायबरेली प्रशासन हमारी सरकार के सपनों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर रहे हैं।